अबे येड़े लोग, तुम्हारे बाबा की शादी है क्या रे खप्पे लोग? बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ, तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। हेलो गैंग, रिकीज हियर, एंड आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको टिकटॉक को अवॉइड करना चाहिए। और एक दो दिन से तो चल रहा है कि कैरी मिनाटी की वजह से बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है टिकटॉक को, उसका प्ले स्टोर में रेटिंग सी 2.6 हो गया है। तो ये बात करते हैं कि क्यों आपको टिकटॉक अनइंस्टॉल कर देना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो पहले बात ये कि टिकटॉक चाइना का माल है और चाइना में एक डिफरेंट ही लॉ फ्रेमवर्क है कि बाहर का ऐप जो यूएसए का है, इंडिया का है, वहाँ पे नहीं चलता, चाइना में नहीं चलता। लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब नहीं चलता वहाँ पे। लेकिन उनका ऐप जो है टिकटॉक, लाइक यूसी ब्राउज़र, ये सब बाहर में चलता है। वो डायरेक्टली ये चाहते हैं कि बाहर का ऐप जो है वो चाइना में नहीं चले लेकिन चाइना का ऐप बाहर में चले, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर बाहर का ऐप कोई चाइना में आएगा तो उनके ऊपर सर्विलेंस करेगा या उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा कुछ ले लेगा। वैसे बोल के वो बाहर के ऐप को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते चाइना के अंदर। अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे तो आपसे आपका बिना परमिशन लेके वो आपका फ़ोटोज़, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स और कुछ भी आपका फ़ोन से ले सकता है। क्योंकि आप जब आप टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं तब उस टाइम टिकटॉक आपको कुछ परमिशन मांगता है, लाइक स्टोरेज का, कैमरा का, जीपीएस का, डाटा का, स्टोरेज का, एलसेट्रा एलसेट्रा। तो आप अगर वो परमिशन दे देते हैं ना तो आपको टिकटॉक अपने चाइनीज़ सर्वर में बेझिझक आपका जो भी डाटा होगा, चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो भी चाहिए आपसे वो ले लेगा। और ये जो टिकटॉक जो है ये 2020 का फिफ्थ लार्जेस्ट डाउनलोडेड ऐप है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और यहाँ से 120 मिलियन यूजर्स जो हैं इंडिया के और 40 मिलियन यूजर्स जो हैं वो है यूएसए के। अगर इन फ्यूचर चाइना हमारे ऊपर साइबर अटैक करता है तो टिकटॉक से वो इतना डाटा कलेक्ट कर लेगा कि हमारा पॉपुलेशन का 12 करोड़ लोग का प्राइवेसी खतरे में आ जाएगा। और जो आर्मी में हैं यूएसए और इंडिया की, उनको स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि वो टिकटॉक या और कोई चाइनीज़ मोबाइल यूज़ ना करें। तो हाल ही में यूएसए की गवर्नमेंट ने $5.7 मिलियन का फाइन लगा है टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि ये टट्टी वाले हैं वो बच्चे के ऊपर स्पाइंग कर रहे थे, यूएसए के जो बच्चे हैं उनके ऊपर स्पाइंग कर रहे थे। और उसके बाद जब यूएसए के पास प्रूफ चला गया तो यूएसए ने क्या किया, $5.7 मिलियन का फाइन लगवा दिया इनके ऊपर। तो ये टट्टी वाले बच्चों को भी नहीं छोड़े, सोचिए आप ये कितने गिरे हुए हैं। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, और भी बहुत महारथी चाइनीज ऐप हैं जो कि यही वाला काम करते हैं, लाइक यूसी ब्राउजर, सियरिट, वीडमेट, गेम स्कैनर, लाइक ऐप, हेलो ऐप, और वो क्या है, कीवी ऐप। वैसे बहुत सारे ऐप हैं जो कि चाइनीज से बिलोंग करते हैं और ये चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं ये सब ऐप। तो अब आपका चॉइस है, मैं तो मेरा काम है बताना, मैंने तो बता दिया। अब ये आपका ही चॉइस है कि आप इस चाइनीज ऐप को रखें आपके फ़ोन में या ना रखें, इट्स अप टू यू। तो गैस, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो गैस प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड गिव योर फीडबैक इन माय कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो। तो इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय।